आइए कुछ और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी, यही मैं बोल रही हूँ कि मेरा एक लड़का है, उसका लड़का है, बार बार बीमार पड़ता है, कभी कुछ होता है, कभी डॉक्टरी, कभी झराना, कहीं फुकाना, मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ। उसका नाम आनंद है, अब बाप का नाम बबलू यादव, लड़का का नाम आनंद यादव, मम्मी का नाम कुसुम यादव। जी जी जी। हाँ, मैं एकदम परेशान हूँ। एक मेरा विशाल नाम का लड़का है, वो 3 बार 10वीं क्लास फेल हो गया। मेरे को बहुत टेंशन है, पति है, उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मेरे को गठिया बात है। और वो बड़ा वाला लड़का है, क्या मालूम पहले कुछ नहीं पीता खाता, अब वो कभी कभी शराब पी लेता है सथियाना दोस्ताना में। जी, यही हमको प्रॉब्लम है, हमको बहुत टेंशन है दीदी, मैं कुछ समझ नहीं पाती। मैं शुरू से बहुत दुख काट के चली आई है, हमको आप कुछ लाभ बताइए। आपके पास कोई है क्या घर में? और वो बच्चा कितना बड़ा है उनके? वो बच्चा, हाँ वो बच्चा मालूम है 2003 का, उसका दिसंबर का जन्म है, 16-17 साल का हो गया है। वो जो जिसकी आप बात कर रही हैं, हाँ, क्या बीमारी है इसको? वो लड़का को बोला डॉक्टर बबल, जो आनंद नाम का लड़का है, वो उसको डॉक्टर पहले बोला कि इसको झटका आता है, उसकी दवा ववा चली तो बीमारी दूर हो गई, ठीक है। उसको प्रॉब्लम पता ना नजर गुजर की है कि क्या है, कुछ ना तो कुछ होता ही रहता है। ठीक है, देखिए आप बहुत सारी बातें बता रही हैं। हमारे यहाँ से आपको फ़ोन आएगा और एक एक की बात लिखवाना, या आप फ़ोन कर लेना या हमारे डॉक्टर आपको फ़ोन करेंगे, पूरी बात लिखवाना, कितनी उम्र वाले को क्या बीमारी है, और हर किसी का आपको इलाज बताया जाएगा। मुझे, मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं आपको कुछ बताऊंगा तो क्या आप लिख पाएंगे। और आप फ़ोन कर लें, हमारे यहाँ से आपको फ़ोन आएगा, आप तफसील से बात करना और पूरी आपको सहायता दी जाएगी। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं राधे श्याम बिहार से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी, प्रश्न कीजिए। जी, हम बहुत दुबले हैं। ठीक है, उम्र क्या है आपकी? हम आशिया कैसे बनेगा जी? 17 साल के हैं। कितने साल के आप? 17। 17 साल के? 17 जी। ठीक है, अच्छा देखिए, रोज एक नारियल पानी पिया करिए, और आपकी हैसियत अगर अच्छी है तो उसमें 0.5 ग्राम गौंद मोरिंगा डालकर रोज़ाना एक नारियल पानी पिया करिए, आप देखेंगे कि चंद महीनों में आपकी सेहत का अच्छा होना मुमकिन है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो ये घरेलू नुस्खे आप अपना लीजिएगा जो अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं, फिर देखिएगा धीरे धीरे करके आपका वेट ज़रूर बढ़ेगा और आप चुस्त तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अर्चना बात कर रही हूँ जी, हिमाचल से। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? मुझे एक्चुअली डायबिटीज है 10-12-11 साल से। जी ठीक है, तो मैं डॉक्टर साहब से कुछ मतलब पूछना चाहती थी या बात करना चाहती थी। बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे, मैं 11 साल से डायबिटिक हूँ डॉक्टर साहब, तो दवाई लेती हूँ एलोपैथी, तो मुझे थोड़ा ये जैतून का सिरका डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, तो मुझे जैतून का सिरका मतलब मुझे कितनी बार लेना है और क्या करना है, मुझे आप बताएंगे प्लीज। ठीक है, हाँ देखिए, डायबिटीज वालों के लिए एक तोहफा है ये जैतून का सिरका, मिलता ज़रा मुश्किल से है, कहीं भी नहीं मिले तो हमारे यहाँ ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा देर में मिलेगा। और जिनको बहुत ज़्यादा है वो 2 बार ले सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, 2-2 या 3-3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के लेना होता है, या अपने सालन में खाने में मिलाकर भी ले सकते हैं, ये जायके में खट्टा होता है और फ़ायदे में बहुत ज़्यादा है। तो ये आप लेना शुरू करें तो आपकी दवा की पोटेंसी कम होने लगेगी और आप पूरी ज़िंदगी एक सेहतमंद ज़िंदगी जैसे नॉन डायबिटिक लोग गुजारते हैं ऐसा गुजारा कर सकते हैं।
लेकिन उसमें दो तीन बातों का ख्याल रखें कि जितनी आपकी खुराक है, अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाया करिए, चाहे आप 2 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें, चाहे आप 4 बार खाना खा लें, लेकिन डाइट कम लिया करें। और गर्म पानी आप जितनी बार भी पी सकते हैं, वैसे 5 बार तो पीना चाहिए, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है डायबिटिक को, और 1 घंटा पैदल चलने से बहुत फ़ायदा होता है। और मज़ीद ये जैतून का सिरका आप लेंगे तो बहुत आप सेहतमंद रह सकते हैं जी। इसी के साथ अगले कॉलर हैं माखन जी, बालाघाट से हमारे साथ, स्वागत है आपका जी। सीने में गांठ हो गई, इलाज बताओ कौन सा जी? सीने में गांठ जी, फीमेल के है लेडीज के हैं? हाँ लेडीज के, इसलिए है कि किस टाइम उम्र है उसकी, कोई तकलीफ है क्या उनको उस जगह पर, कोई तकलीफ है क्या उनको उस जगह पर? उनके सीने का जो गांठ है तो थोड़ा दवाई चल रहा था तो थोड़ा अभी दर्द कम हो गया, लेकिन कभी कभी करना चालू हो जाता है। अच्छा, देखिए ज्यादातर फीमेल्स के, महिलाओं के सीने में गांठें होती हैं, और अगर वो उनके कोई बच्चा वगैरह हो जाता है तो वो दूध के साथ दूध पिलाने में घुल भी जाती हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो तकलीफ नहीं है तो उसकी परवाह ना करें, तकलीफ है तो फिर उसकी परवाह करें। और लेकिन कभी कभी मतलब महीने 6 महीने में दर्द होता है, अभी बड़ा नहीं होता, मतलब अभी उतना ही बड़ा है। ठीक है, एज कितनी है इन महिला की? अभी शादी नहीं हुई। ठीक है, अच्छा देखिए, एक नमक आता है नमक कलौंजी ले लीजिए 100-200 ग्राम, और 2 चुटकी रोज़ाना गर्म पानी में मिलाकर पिए। 1 चुटकी से शुरू करें, 1 चुटकी में जितना भी नमक कलौंजी आता है वो 1 गिलास पानी में मिलाएं और इसे पी लिया करें, 1-1 बार पिएं। उससे फ़ायदा होने लगे तो एक ही चुटकी रखें, नहीं तो फिर 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम इन्हें पिलाया करें गर्म पानी में, और 5 बार गर्म पानी पिलाएं तो इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए अगले कॉलर हैं मोइनुद्दीन कर्नाटक से हमारे साथ, स्वागत है आपका जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे को बदन में कमजोरी है, जोड़ों को सब दर्द होता है इधर देखिए। एज बताएं और कब से है? इसकी 3 एज है मेरी, ये जोड़ों का दर्द मेरे को तकरीबन 10 साल से है। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से आपको फायदा पहुंच सकता है। जहाँ 10 साल आप तकलीफ में गुजारे हैं तो 3 महीने आप मुझे दें, और वो भी इस तरह के आप धनिया, सौंठ, सौंफ और अजवाइन, धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन और गौंदस्याह यानी काला गौंद, एक गौंद है जिसको गौंदस्याह कहते हैं, काला गौंद भी कहते हैं, ये ज़रा होशियारी से लेना, नकली भी मिलता है, कड़वा होता है। इन सबको 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाएं। और ये जो मटेरियल मैंने बताया है 100-100 ग्राम, जो 500 ग्राम हो गया तकरीबन, ये ख़त्म होने से पहले आपका पुर्जा ठीक होना मुमकिन है। तो चलिए सिर्फ आपको 3 महीने यहाँ पे देने हैं। देखिए 10 साल से आप एक बीमारी से इतने ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब सिर्फ 3 महीने, और फिर देखिएगा आप कितने स्वस्थ हो जाते हैं। एक स्वस्थ शरीर आपका हो जाता है, जो भी मर्ज आपको हो गया है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उपचार वैसे ही अपनाने हैं जैसे हकीम साहब ने अभी आपको बताए हैं। दर्शकों इसी प्रकार से आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं।
आप घरेलू नुस्खे जान सकते हैं, कौन सा नुस्खा आप लोगों के लिए बेहतर है, कौन सा नुस्खा अपना के आप लोग रोग मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन से हर एक परेशानी को दूर कर सकते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात होती है दर्शकों, जहां आप इतने पैसे अपने खर्च कर चुके होते हैं उसके बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिल पाता है, आपकी बीमारी जस से तस वैसे ही बनी रहती है। लेकिन जब आप हमसे जुड़ते हैं और जब आप हकीम साहब के बताए हुए नुस्खे अपनाते हैं, फिर देखिए आपके चेहरे पर भी खुशी होती है और आप लोग इतने हंसते खेलते हुए नजर आते हैं। तो अपने जीवन को समझना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, हमसे जुड़ना है, फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ कुलाल कुमार जी हैं, स्वागत है आपका। जी सर, मुझे साइनेक्स है, उसका उपाय जी। कब से है, कितनी एज है आपकी? मेरी 23 साल। अच्छा, देखिए इसका इलाज यूनानी में मुमकिन है और आपको 5-6 महीने लगातार इलाज करना होगा, बमें इन शर्तों के कि आप खट्टी चीज़ें छोड़ देंगे, बाहर की तैयार शुदा चीज़ें जो मिलते हैं वेफर्स और वगैरह वगैरह ये सब खाना बंद कर दें। और उसके लिए घरेलू नुस्खा भी बता देता हूँ मैं, और वो ये है कि उन्नाब एक जड़ी बूटी का नाम है, एक बेर है जो ईरान से आता है, लाल रंग का होता है, उन्नाब और अलसी सपिस्तान, ये तो तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और इसमें 20 ग्राम पीपलें शामिल करके पाउडर बना लें और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम गर्म पानी के साथ लें और आपको लगातार 5-6 महीने ये नुस्खा लेना चाहिए और सारी हिदायत पर भी अमल करना चाहिए जो मैंने आपको परहेज बताया, तो आपका ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, जैसे कि आप जो रॉ मटेरियल यहाँ पे दर्शकों को बताते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें इसमें हैं जो मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और असली और नकली की पहचान भी नहीं हो पाती है। व्यक्ति चाहता है, जब देसी नुस्खे वो जान ही रहा है, घरेलू नुस्खे आप बता ही रहे हैं, तो एक सही जगह से सही रॉ मटेरियल उसको मिल जाए। तो अगर वो आपकी कंपनी से मंगवाना चाहे तो क्या जल्दी से मिल सकता है वो? जल्दी नहीं मिल सकता जी, दरअसल जो चीज़ों में ज़्यादा ख़तरा है बिल्कुल नकली का, तो वो चीज़ें हम रखते हैं। अब क्योंकि अपनी दवाइयों की कंपनी है, मेडिसिन बनती है, तो उसमें जो मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं हम उसको हासिल करते हैं और लोग नकली ना ले लें, इसलिए हम कुछ लोगों को, पूरे इंडिया को तो हम दे भी नहीं सकते, कुछ लोगों को दे पाते हैं और वो भी शिकायत के साथ। आपको शिकायत होगी कि जैसे एक फ़ोन भी आया था कि जी टाइम हो अभी गया तक अभी तक नहीं आया, तो जब तक वो असली चीज़ हमारे पास नहीं होती हम किसी को नहीं भेजते, क्योंकि इस कारोबार में भी अगर बेईमानी हो गई तो फिर आदमी का ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा वेट करना हो सकता है लेकिन असली चीज़ मिलना मुमकिन है। तो बिल्कुल असली चीज़ ही आपको हमारी कंपनी से मिलती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होता है, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे हकीम साहब बताते हैं वो अगर आपको कहीं नहीं मिल पाता है, आप लोग ढूंढकर थक जाते हैं या आपको लगता है कि आप असली नकली में पहचान नहीं कर सकते हैं, तो प्योर असली चीज़ ही आपको यहाँ से दी जाती है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ रमेश हैं हिमाचल से, स्वागत है रमेश आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी आदाब। मेरे को ना गैस और गला साफ रहता है, उसका मैंने ऑपरेशन भी करवाया हुआ, हार्ट का ना बल्ब रिप्लेसमेंट हुआ है मेरा, तकलीफ हो रही है, मतलब मेरा एक तो गैस होती है गैस और जो गला 3-4 महीने से रेगुलर खराब चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, घरेलू चीजें हैं ज्यादातर, एक चीज शायद बाहर से भी लेनी पड़े और वो विश्व का सबसे अच्छा नुस्खा भी माना जा सकता है कि गैस के लिए, पेट के लिए, एसिडिटी के लिए, कब्ज़ के लिए, बवासीर के लिए, इन्फेक्शन के लिए, लीवर के लिए, और ये मैं बहुत बताता हूँ और जो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं फ़ायदा होता है।
तो आप लोगों के जो फीडबैक आते हैं उसके हिसाब से ये विश्व का सबसे अच्छा नुस्खा भी हो सकता है। देखिए, धनिया सौंफ सौंठ, धनिया सौंफ और सौंठ, ये तीन चीज़ें, धनिया सौंफ सौंठ और जीरा, ये 100-100 ग्राम लें आप। और 100 ग्राम कलौंजी का नमक आता है, 100 ग्राम ये भी ख़रीद लें। और इन सबको रॉ मटेरियल लेकर पाउडर घर पर बनाना है, बाहर से पिसा पिसा लाएंगे तो मैं ज़िम्मेदार नहीं कि आपको फ़ायदा होगा। तो इनको आप 1-1 ग्राम दिन में 3 बार खाने से पहले या खाने के बाद, जैसे आपको आसानी हो, पानी के साथ लें, गर्म पानी पिएं और दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं और 3 बार ये लें। आप जिस दिन से ये इस्तेमाल करेंगे उसी दिन से आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा और ये मटेरियल ख़त्म होते होते आपका पूर्णतः ठीक होना मुमकिन है जी।